उस टाइम पे तनख्वाह कितनी थी आपकी? पेंशन? हाँ, तनख्वाह 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 थी 55.96120। 55.96 क्या? और दोस्तों, और आज मैं नीचे बाबा जी के पास आया हूँ बैठने के लिए। संडे था तो टाइम पास कर रहा हूँ। और बाबा जी आप मुझे बताएंगे, दादाजी मेरे, कि इनकी एज भी 92 ईयर्स हो चुकी है, आपको मैं बता दूँ। और इनको अभी नॉलेज देखना कितनी। हेडमास्टर हैं अपने टाइम के, 1990 के रिटायर हैं हेडमास्टर से। तो अब ये बताएंगे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मुझे समझा रहे थे। तो मैं सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, आपको भी नॉलेज मिल जाएगी मेरे साथ साथ। तो बाबू जी बताओ, क्या बता रहे थे आप? बोल बंद में सकते हैं। आप क्या बता रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में? किसको? मुझे बताओ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस हाउ ए मैन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही स्पेंड्स इट। सही बात है। अब बाबू जी, अच्छा ये बताओ, आप जब टीचर थे, जब आपने 10th क्लास करी थी, जब आपने 10th क्लास की थी ना, 10th में थे जब आप, 10वीं में थे, जब कौन कौन से सब्जेक्ट थे मैथ में, वो मैथ में कौन कौन से वो थे आपके चैप्टर्स? पहले था इंग्लिश का। अच्छा। पहला था ट्रांसलेट इनटू वर्नाकुलर। अच्छा जी। नंबर दो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फिर एक होता था इडियम्स, यूज ऑफ इडियम्स। उसके बाद होता था क्या नाम इसका, एक अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन होते थे टेक्स्ट बुक के। ओतरी। उसके बाद पोएट्री के होते थे क्वेश्चन होते थे। तो बड़ा टफ होता होगा फिर तो। हाँ, बहुत टफ होता होगा। तो टफ नहीं तो क्या? अच्छा जी। तो अब मैं और गणित में, गणित में है? गणित में क्या क्या होता था? किसमें? गणित में, गणित मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में पहला होता था राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर्स। राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर्स। अच्छा। मल्टीप्लाई इन टू लाइन्स। अच्छा। मल्टीप्लाई इन थ्री लाइन्स। अच्छा। प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाता था ज्वेलरी मेथड। ज्वेलरी मेथड के बाद आ जाता था स्टॉक एंड शेयर, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी। उसके बाद आ जाता था टाइम एंड वर्क। उसके बाद आ जाता था इंटरेस्ट। अच्छा जी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट। अच्छा अच्छा। बैंकर डिस्काउंट। तो उस टाइम पे भी इतनी पढ़ाई होती थी उस टाइम पे गणित में? है? इतने सब्जेक्ट होते थे गणित में उस टाइम पर? हाँ। अब तो कुछ भी नहीं करते बच्चे पढ़ाई, अब तो कुछ भी नहीं होता, तो आधा कर दे गणित को, अब तो खत्म कर दिया। नहीं तो क्या करें? हैं? इनको नहीं आता, अब तो खत्म कर दिया गणित सरकार ने, बहुत ही आधे सारे सब्जेक्ट आधे कर दिए, बिल्कुल ही बिल्कुल हटा दिए सारे उसमें से। ये एक आया ना, तीन होते थे मैथमेटिक्स, पहले तीन गणित होते थे, आगे अलजेब्रा होता था। अलजेब्रा? अलजेब्रा। अच्छा। फिर होता था ज्योमेट्री। अच्छा अच्छा। इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट काम होता था टेंजेंट्स। तो उसके बाद कॉमन टेंजेंट्स। जरा अब मुझे वो बनाना पड़ता था प्रकार से। अच्छा, मुझे बताओ। हाँ। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे वाइल द सनशाइन। मेक हेल वाइल द सनशाइन। वाइल द सनशाइन। बहती गंगा में हाथ डालना, हाथ धोना, हाथ धो लो। अरे वाह, बाबू जी मान गए। ये देख लो भाई, 92 साल के मोर, आप, मैं बता दूँ, आप अपने सब्जेक्ट भी नहीं बता पाएंगे आज की तारीख में। जो नौकरी पैसा कर रहे हैं लोग, बाग जो अभी अभी पढ़ाई करके निमटे हैं हाल ही में, उनको अपने सब्जेक्ट से याद नहीं होंगे। इनको देख लो, 92 ईयर्स में भी आज भी अपने सब्जेक्ट से याद हैं, कितनी बड़ी बात है। और ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे अपने टाइम के। और बाबू जी अभी भी बहुत अच्छे हैं और सबका बहुत ध्यान रखते हैं। और आज भी इनका नाम है इलाके में। हाँ भाई, कोई हेडमास्टर थे उस टाइम पे, इन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया अपनी लाइफ में, सब कुछ। तो उस टाइम पे देखो कितना सुकून होता था। 2 रुपए तनख्वाह आपकी, तनख्वाह किस टाइम थी? उस टाइम पे तनख्वाह कितनी थी आपकी? पेंशन? हाँ, तनख्वाह 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 थी 55.96120। 55.96120। ये क्या था? हाँ जी। टोटल कितनी हुई? क्या कैसे बताया आपने? 50 टोटल तनख्वाह, 50 रुपए तनख्वाह, 5 रुपए साल का बहुत ही सी तरक्की। अच्छा। तो 90, जब 90 तनख्वाह हो जाए तो 6 रुपए तरक्की मिसाल की 120 तक। अच्छा अच्छा। देखो दोस्तों, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनके इन्होंने भी जो तनख्वाह बताई गई है वो टुकड़ों में बताई है, DAP ये सब लगा के 50 रुपए पूरी तनख्वाह थी बेसिक सैलरी। तो थोड़ा उम्र भी हो चुकी है तो आप समझ जाना है बाबू जी क्या बोलना चाह रहे हैं। और देखे कितना अच्छा इन्होंने समझाया, और बहुत ही नॉलेज। मैं इनके पास बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं। अभी थोड़ा कैमरा ऑन है इनके सामने तो थोड़ा होपलेस भी हो रहे हैं, देख भी रहे हैं कि मैं करके आ रहा हूँ इनके साथ, वीडियो टाइप ग्राफी कर रहा हूँ तो थोड़ा इसलिए।
बाबूजी चलो। और ये हमारी अम्मा देखो कितनी मस्त है, इन्हें तो अपना पता नहीं उन्होंने क्या क्या पिटारा जमा कर रखा है अम्मा को। बाबूजी खाना खाओ। हाँ जी अब खाना खाओ, चलो नाश्ता करो और नाश्ता करो। अम्मा का पिटारा देख लो आप लोग, ये अम्मा के पिटारे ने पता नहीं क्या क्या कर रखा अम्मा। ये देख लो अम्मा ने भूतड़ी बनी पड़ी, सुबह अपना पिटारा खोल लेती है और ठाणा धरना। और अम्मा भी हमारी उतनी समझदार है जितने बाबूजी हैं, और भले ही नहीं इतनी पढ़ी लिखी ना हो लेकिन घर उन्होंने बहुत संभाला है। चार चार बेटे और एक बेटी को उन्होंने पढ़ा लिखा के इधर बड़ा अच्छा अपना साम्राज्य बनाया है। और देखिए कितना अच्छा बाबूजी का घर है जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब घर जैसी फीलिंग आती है मुझे। और तीन चार गाड़ियाँ खड़ी है उधर बाहर, अरे बाबूजी का नौकर जिनकी सेवा में तत्पर रहता है सुबह जाके। और ये देखो बाबूजी ने एक मारुति गाड़ी ली थी अपने टाइम पे, ये आज भी खड़ी है बाबूजी की मारुति कार। मतलब बाबूजी का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है साहब। ये तो आपको इन्होंने आधी बातें भी नहीं बताई अपनी पढ़ाई की, इतनी बातें बताते हैं, इतनी नॉलेज है। और आज भी बाबूजी आपको बता देता हूँ, बाबूजी आज भी अखबार पढ़ते हैं डेली एक्सेलसियर है। आजकल के लड़के जो ये व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर जो बिजी हैं, जब बकवास करते रहते हैं सारा दिन, है मुझे इस अखबार को पढ़ने की 92 इयर्स एज में जाके 92 साल की उम्र में आप ये अखबार पढ़ सकते हो। अभी भी नहीं पढ़ते होंगे आधे तो, आप देखो तो इंग्लिश नहीं पढ़ी जाएगी, क्या लिखा है अखबार का नाम, ऐसे भी कलाकार होंगे एक से एक। तो भाई पढ़ाई लिखाई देख लो कितनी काम आती है आखिरी तक। और ये सब बाबूजी का है सब कुछ करा धरा यहाँ पे, जिन्होंने अपने बच्चे कामयाब करे, अपने आप को कामयाब किया, धरती से उठ के इतना बड़ा ये कारोबार साम्राज्य बनाया, धीरे धीरे पढ़ाया बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाए, कई बच्चे पास कराए, पीट पीट के बच्चे पास कराए हैं बाबूजी ने, किसी को आज तक नकल भी नहीं करने दी। और आज देख लो आप, अरे वहाँ एडमिशन ले लेंगे वहाँ नकल होती है, अरे वहाँ से कर लेंगे वहाँ सब काम हो जाएगा। अरे क्या है पैसा है तो हर चीज़ पैसा नहीं होता मेरे भाई, सब कुछ बुद्धि भी होती है। बाबूजी नाश्ता करो आप आराम से, अम्मा का देख लो नाश्ता भाई, अम्मा को लेट कर नाश्ता करी राई राजा जी यहाँ घर की। आपने पिटारा पहले जमाएंगी, इसको खोलेंगे कल सुबह को दोबारा, और फिर पिटारा अम्मा अपना ऐसे रख देंगे। देखो जुगा तू मेरा बैग छोड़ कब तक, और रख दूंगा बैग आपका कोई नहीं, नहीं भाई अम्मा का नाश्ता आ चुका है, आप चुपचाप नाश्ता करेंगे। ऐसे रोना शुरू कर देगी, 500 रुपए लेगा और क्या रहेगा, हाँ रोना शुरू कर देगी एकदम, बस नाश्ता करो चलो अब जा रहा हूँ। भाई देखो और आगे भी जो बाबूजी अच्छी चीज़ बताएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला तो। चलो ठीक है भाई, ओके बाय बाय।